आज जो माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसमें महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर चढ़कर भाग लिया। हमारे बीच में मनीषा जी आई, मनीषा जी जानकारी देते हैं। मनीषा जी, सावित्रीबाई फूले ने ऐसा क्या काम करा जो आज बड़े पैमाने पे इसको जन्मदिन को मनाया जा रहा है? सावित्रीबाई फूले ने वो काम किया जो देश की 33 करोड़ देवी देवताओं ने नहीं किया, क्योंकि जो हमारे सदियों से गुलाम रही हमारे देश की जनसंख्या, उनको उनको शिक्षा का अधिकार सावित्रीबाई फूले ने दिया। देश की पहली शिक्षिका वो बनी और देश में पहला महिलाओं का स्कूल सावित्रीबाई फूले ने खोला। तो जो सावित्रीबाई फूले ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर इंडिया की सभी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और जागृत हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं। ये सब हमारी माता सावित्रीबाई फूले की वजह से हुआ। उज्जैन वाल जी, अभी इन्होंने बताया कि माता सावित्रीबाई फूले ने वो काम किया अभी तक जो किसी ने नहीं किया है। तो आज जो जातिवाद की बात करते हैं, लेकिन सावित्रीबाई फूले ने जब पढ़ाया तो जब जातिवाद की बात नहीं थी, लेकिन आज है। आज है, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए जातिवाद को। सावित्रीबाई फूले ने पढ़ाई लिखाई जो शुरू करी थी हमारे समाज में, उनकी 9 साल की थी जब उनकी शादी हो गई थी, तो ज्योतिबा फूले ने उनको पढ़ाया और फिर उन्होंने जो है पहला विश्वविद्यालय खोला और सभी महिलाओं को जो है वो शिक्षित करने का काम किया था। उज्जैन वाल जी, आप कितनी महिलाओं को जो है गांव देहात के अंदर कितना आप उन्हें आकर्षित करते हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा? हाँ जी, हमने बहुत काम किया है और आगे भी मैं करती रहूँगी इस काम को। मैं डोर टू डोर जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ और महिलाओं को भी समझाते हैं और जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, उनको भी हम घर घर जाकर हम समझाते हैं कि भाई आप फूले अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़िए और आगे अपनी मूवमेंट को, जो उनका सपना था वो हम पूरा करने की कोशिश करें। तो आप अभी तक कितने बच्चों को मतलब इस तरीके की शिक्षा में अपने ढाला है? देखिए, मुझे हो गए 19-20 साल इस चीज़, यस। तो मेरा ये है कि मैं जो यंग है, महिलाएं हैं, उनको जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा है उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो आज उसी वजह से आप 19-20 साल से पढ़ा रही हैं, तो उसी बात को लेकर, उसी सम्मान को लेकर आप आज आपको इस मंच पे सम्मानित किया है। हाँ जी। तो आप कैसा गौरव प्राप्त कर रही हैं, आपको ये सर्टिफिकेट मिला है? यस, मुझे फर्स्ट टाइम ये चीज़ फेस की है मैंने, यस। तो मेरे लिए ये बहुत गौरव का दिन है कि आज मुझे सावित्रीबाई फूले की बदौलत आज मैं इस मंच तक पहुंची हूं और मुझे आज ये जो सम्मान मिला है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार। आज वो सम्मान मिला उससे आपको और ऊर्जा पैदा हो गई? बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त। तो आप और ज़्यादा काम करना चाहूँगी। इतना क्या है, और ज़्यादा करना चाहूँगी।